नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। ज्ञानपुर भदोही से जन जागृत न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार एके फारूकी द्वारा कवरेज की गई रिपोर्ट। कांग्रेस के चुनावी केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन। आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी सक्रियता बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने भदोही के औराई विधानसभा के चुनावी केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन सोमवार को किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार राजन ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे प्रकाश मिश्रा ने की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार राजन ने कहा कि इस बार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में औराई की जुझारू प्रत्याशी संजू कन्नौजी औराई में चुनाव मैदान में है। हम सभी कार्यकर्ताओं को जी जान से लगकर कांग्रेस की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा की इस सरकार से परेशान हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ नाइंसाफी, महिला उत्पीड़न आदि समस्याओं से त्रस्त है और जनता प्रियंका गांधी की और बड़ी उम्मीद लगाए है, जिसका उदाहरण कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा में उमड़ी भीड़ ने दिखाई है। इसलिए हमें अभी से हर वर्ग के बीच पहुंचना है, जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार राजन ने कहा। एक तरफ ऐसी ताकतें चुनाव लड़ रही हैं, जो देश में भाईचारा खत्म करना चाहती हैं, कोई जात के आधार पर समाज को बांटना चाहता है, कोई धर्म के आधार पर समाज को बांटना चाहता है, कोई भाई को भाई से लड़ा रहा है, कोई जात से जात को लड़ा रहा है, कोई धर्म से धर्म को लड़ा रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा एक ऐसे समाज की परिकल्पना की है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब हैं भाई भाई। आदरणीय प्रियंका गांधी जी को बधाई देना चाहूंगा, प्रदेश अध्यक्ष अजय जी कुमार लल्लू जी को, जिन्होंने हमारे भदोही जनपद में तीनों प्रत्याशियों को भदोही जनपद के प्रत्याशियों के स्थान दिया, नहीं तो बाहर ही यहाँ आते थे और चारा गांव पर आके चले जाते थे। हमारे जनपद के सभी जितने आवेदक हैं और कांग्रेस के साथी हैं, सबकी हमसे एक मांग रहती थी कि कोई चुनाव लड़े लेकिन वो जिले का रहे। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है साथियों। वही कांग्रेस प्रत्याशी संजू कन्नौजिया ने कहा कि आगे ले जा सके, मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूंगी, आप सब ऐसे नेता चुने जो आप सबके साथ रहे और आप सबके दुख सुख में काम आए। मैं आप सब जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करेंगे। जब तक आप लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट नहीं करेंगे, कोई भी आएगा बाहरी और जीत कर चला जाएगा। कोई भी आप सबको 5 साल देखने नहीं आएगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप जिसे चुनिए अपने जिले का चुनिए, बाहरी मत चुनिए। जो बाहरी आएगा जीत कर चला जाएगा, 5 साल तक देखने। इस मौके पर आशुतोष पांडे, माबूद खान, दीनानाथ दुबे, जजलाल राय, अवधेश पाठक, दीपक पांडे सहित भारी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता गण शामिल रहे। आए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।